अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बना है बहुत ही ज़बरदस्त सा दही चिकन पुलाव। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा दही चिकन पुलाव बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें। तो आइए फिर देखते हैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी दही चिकन पुलाव की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना इस पुलाव को बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो देखिए, एक मैंने पतीला ले लिया, इसको चूल्हे के ऊपर भी नहीं रखा। सबसे पहले इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 किलो ड्रम स्टिक। कि 1 किलो मैंने ड्रम स्टिक लिए थे और मैंने इनको अच्छी तरह धो के, तो इनके ऊपर दो दो मैंने डीप कट लगा लिए थे। और आप देख रहे होंगे कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के दही इसके अंदर शामिल किया था और 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह मैंने हाथ से मिक्स करके, तो इनको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर। नमक और दही लगाया था। फिर से आपको बता देता हूँ कि 1 टेबल स्पून दही लगाया था और 1 टीस्पून मैंने नमक लगाया था। और अच्छी तरह हाथ की मदद से मसाज करके तो मैंने इनको फ्रिज के अंदर रख दिया था आधे घंटे के लिए। ठीक है, ये सबसे पहले शामिल कर देंगे ड्रम स्टिक। शामिल कर देंगे साबुत मिक्स गर्म मसाले, जिसमें बादियान का फूल है, लौंग है, दालचीनी की स्टिक है, टेस्ट पत्ता है, बड़ी इलायची है और काला जीरा है। और शामिल करेंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, इनको स्लाइस में काट लिया है। और 1 गट्ठी लहसुन की ली है, इसको मैंने दो दो टुकड़ों में कटवा लिया है। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ में शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक, इसको भी हमने मोटा मोटा कूट लिया। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी, घी को मैंने मेल्ट करके तो फिर मेजरमेंट किया। अब आपने पतीले को चूल्हे के ऊपर रखना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको कच्चे मसाले के साथ ड्रमस्टिक को भूनना है। इसका ये फायदा होता है कि बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे व्यूअर्स की शिकायत आती है कि रफ़ी भाई, जब हम ड्रमस्टिक से पुलाव बनाते हैं या ड्रमस्टिक का सालन बनाते हैं तो उसके अंदर से ब्लड निकलता है। अगर आप इस तरह ड्रमस्टिक बनाएंगे तो उसके अंदर से कोई ब्लड नहीं निकलेगा और ना उसके अंदर से स्मेल आएगी। अच्छी तरह मिक्स करते हैं, मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको भूनेंगे 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट बाद। देखिए 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर ड्रमस्टिक को भून लिया, लाइट सा गोल्डन कर लिया कच्चे मसाले के साथ। आप इसके अंदर शामिल कर देते हैं मसाले। तो 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, और पुलाव को और मज़ेदार करने के लिए 4 अदद चिकन क्यूब्स। हरी मिर्च शामिल करेंगे कटी हुई 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। और इस पुलाव का नाम है दही पुलाव, तो इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 कप भर के दही। अब आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। आधा कप शामिल कर देंगे पानी, आधा कप मैंने पानी शामिल किया है, पानी आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना इसके अंदर। अब इनको ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट बाद। जी देखिए 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के लिए ड्रम स्टिक को ऊपर से कवर कर दिया था, ये देखिए। चावलों के लिए पानी शामिल कर दिया है, साथ में शामिल कर देंगे आधा कप किशमिश। पानी मैंने चावलों के लिए शामिल किया, इसके अंदर 4.5 कप भर के चावल मैंने लिए थे, 3 कप बासमती राइस, उनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह धो के तो पानी में भिगो के रख दिया था। पानी को गर्म होने देते हैं तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। पानी गर्म हो गया है, अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं चावल। चावल मैंने शामिल कर दिए, तो हल्के हाथ से आपने चावलों को मिक्स करना है। ऊपर से कवर कर देंगे। जी देखिए सारा हमने चावलों का पानी मीडियम फ्लेम के ऊपर ड्राई कर लिया है। लास्ट में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून केवड़ा खुशबू के लिए। और लेमन के स्लाइस शामिल करेंगे और स्लो फ्लेम के ऊपर दम लगा देंगे 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 20 मिनट बाद। डिश आउट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं।
जी देखिए, 20 मिनट के लिए हमने स्लो फ्लेम के ऊपर पुलाव को दम लगा दिया था, और पुलाव को दम लगाने के बाद हमने इसको डिश आउट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा दही पुलाव बन के तैयार हो गया। तो ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फन के साथ। अल्लाह हाफिज़।